दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक एम्पियर मीटर के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये एम्पियर मीटर है दोस्तों, ये एक राउंड शेप में एम्पियर मीटर है। और एम्पियर मीटर राउंड शेप में होने के साथ साथ स्क्वायर शेप में भी होती है। और एम्पियर मीटर ये कैसे है, इसके बारे में अगर आपको जानना है कि भाई एम्पियर मीटर ये है, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे, तो एम्पियर मीटर में जब भी आप देखोगे तो भीतर में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। और ए लिखा हुआ आपको जो बड़ा सा ए दिख रहा है, ये ए लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ए फॉर एम्पियर होता है। और यहाँ से आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितना भी एम्पियर का रहेगा, 10 एम्पियर का रहेगा तो 2, 4, 6, 8, 10 एम्पियर इस तरह आपको लिखा हुआ दिखेगा। और मैक्सिमम दोस्तों 10 एम्पियर का ही मीटर यूज किया जाता है। और ये 25 एम्पियर का एक एम्पियर मीटर है। 25 एम्पियर का मल्टीमीटर दोस्तों खास तौर से हम लोग यूज करते थे पुराने इन्वर्टर में, जहाँ पे हम लोग एम्पियर मीटर का उपयोग करते थे, बैटरी के साथ इसको जोड़ते थे और यहाँ पे हमें एम्पियर दिखता था कि भाई कितना एम्पियर लोड में है हमारा इन्वर्टर। और ये देखो, ये काफ़ी पुराना है, तो काफ़ी ये जंग लग गया है, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था हमारे पास। बट ये दोस्तों अभी भी अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये काम करेगा, क्योंकि इसका मीटर अभी भी ख़राब नहीं हुआ है। और आजकल तो डिजिटल मीटर आने के बाद हर चीज़ ब्लिंकिंग मोड में आप देखते हो, LED पैनल पे जो मीटर रहती है वो मीटर आ गया है। बट इस मीटर की बात अगर किया जाए तो इस मीटर का उपयोग जो भी जगह पर आप करोगे, एक बार बस लगा दो और सालों साल, 10 साल 20 साल तक, और पता नहीं कितने दिन तक चलता रहेगा। आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि भाई ये ख़राब हो गया या इसकी LED ख़राब हुई, क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। जब आप खोल के देखोगे तो ये देखो, इसके अंदर एक शीशा है और यहाँ पे एक सामने जो एडजस्टर आपका दिखता है उसका पीछे एक नोच लगा हुआ है। और ये देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक 30 एम्पियर का मल्टीमीटर है और थोड़ा गंदा हो गया है बाहर से शीशा, बट अंदर से काफ़ी साफ़ है। और ये मीटर को जब हम इस तरह से चढ़ाएँगे तो ये देखो वापस लौट जाएगा, ये लौट रहा है, यानी मीटर हमारा अभी भी काम कर रहा है। और बात किया जाए इसका कॉयल की, तो इसके पीछे एक मोटा सा कॉयल रहता है जो कि 4-5 राउंड मार के बस बाहर निकाल दिया जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो साइड से आपको दिखेगा, ये देखो इस साइड से आपको दिख रहा है, इतना मोटा कॉयल है। और ये कॉपर कॉयल है, क्योंकि इसके पीछे जो है सोल्डिंग की हुई है। अगर सोल्डिंग की हुई है तो इसका मतलब है कि भाई ये कॉपर कॉयल ही है, क्योंकि एल्युमिनियम पे सोल्डिंग तो होता नहीं है। और ये है इसका एडजस्टर दोस्तों, ये देखो जब मैं इसे टेढ़ा कर रहा हूँ तो इसका मीटर डाउन में जा रहा है, क्योंकि मीटर के नीचे थोड़ा सा वेट दिया रहता है सोल्डरिंग करके। और ये देखो यहाँ पे जब आप देखोगे लास्ट में तो आपको कॉइल दिखेगा, ये देखो। एम्पियर मीटर का उपयोग ऐसे बहुत कम जगहों पे किया जाता है, क्योंकि एम्पियर मीटर का जो कैलकुलेशन है वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए कि हमें पता चलता है कि भाई इतना वोल्टेज आ रहा है। इस वजह से वोल्ट मीटर का जो उपयोग है वो काफ़ी पॉपुलर। बट एम्पियर मीटर के बारे में अगर बात किया जाए कि लोग कहाँ पर लगाते हैं, तो मोस्टली इसका उपयोग घर पर नहीं होता है। ख़ासतौर से हमारा एम्पियर मीटर आपको देखोगे बिजली ऑफिस वगैरह में यूज होता है, या फिर कुछ खास जगहों पे जहाँ पे कुछ खास तरह के लोड दिए रहते हैं, जैसे एक बार में ही जनरेटर, इन्वर्टर और करंट, ये सारा चीज़ रहता है और वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई कितना लोड में है, तो ऐसी जगहों पे एम्पियर मीटर का भी उपयोग किया जाता है। बट इसका उपयोग दोस्तों काफ़ी कम जगहों पर किया जाता है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन भी काफ़ी अजीब होती है। एम्पियर को जब आप वोल्टेज और वाटेज में कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक सूत्र है, और उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। बट अगर बात किया जाए एम्पियर मीटर का उपयोग का, तो इसका इस मीटर का उपयोग थोड़ा कम होता है। बट वोल्ट मीटर के बारे में अगर बात किया है, तो वोल्ट मीटर काफ़ी पॉपुलर है, लोग कहीं भी शौक से भी लगा देते हैं ताकि पता चलता रहे भाई कितना वोल्टेज आ रहा है और हमें उस हिसाब से यूज करना है। और ये एम्पियर मीटर का, ये देखो मीटर, इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये एक हेयर स्प्रिंग के ऊपर ये खड़ा होता था, मीटर का जो कांटा है, यानी ये देखो एडजस्ट में जब करता हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। और ये देखो ये एक हेयर कॉयल के ऊपर खड़ा है मीटर दोस्तों, और ये ख़राब नहीं होती, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। ये देखो
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।